नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, 29 अगस्त रविवार की दोपहर तुला राशि के लोगों को दो बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ी बात बताने वाले हैं। दरअसल मनुष्य के बदलते हुए समय के साथ साथ मनुष्य अपने आचार विचार, मनुष्य अपने अभिव्यक्ति तक को चेंज कर देता है। कई प्रकार की ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं जो मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के अहम फैसले को लेने पर मजबूर कर देता है। आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, परंतु कैसी भी स्थितियाँ निर्मित हों, कैसा भी समय बन रहा हो, आप इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, तभी आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं और सारे के सारे कार्य भी आप लोगों के बन सकते हैं। भगवान जी की कृपा भी आप लोगों पर बनी रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबों से विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में आप लोगों को बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार को लेकर भी आप लोगों के सारे प्लानिंग सफल होंगे। आप लोगों को करियर की दिशा में कोई बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। मिले जुले परिणामों की प्राप्ति भी आप लोगों को होने वाली है। कार्यस्थल में अचानक से कोई विकास होंगे और यह विकास आप लोगों के पक्ष में बने रहेंगे। आप लोगों के बात करने का तरीका, आप लोगों के संचार कौशल में काफी ज्यादा मजबूती भी आने वाली है। आप आसानी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी व्यस्त रहेंगे और गतिशील परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं। आप लोगों को अथक प्रयास के लिए नई शुरुआत भी करने होंगे, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को दिलवाने वाली है। आर्थिक रूप से आप काफी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित भी रहेंगे और किसी पुराने ऋण को भी आप आसानी से चुका सकोगे। आप लोगों को समाज के क्षेत्र में यश और काफी ज्यादा कीर्ति में बढ़ोतरी होंगे। दफ्तर से भी कोई बड़ी खुशखबरी आज के दिन आपको प्राप्त होंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए आपका समय काफी अच्छे होंगे। आप अपने प्रेम का आनंद लेंगे। कुंवारे लोगों की जिंदगी में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है। घर परिवार में खुशी का आगमन बने रहेंगे। परिवार का सहयोग भी आपको मिलेंगे। कोई भी वित्तीय फैसला लेने या शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अच्छे से शांति से सोचने का प्रयास करें। आप में ऊर्जा का संचार बना रहेगा और आप उसी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करेंगे तो आप लोगों के ज्यादातर कार्य भी सफल होंगे। मित्रों, तुला राशि के लोगों को अपने क्रोध पर, अहंकार पर नियंत्रण में रखने की कोशिश करने होंगे, नहीं तो आप लोगों के अच्छे खासे रिश्ते भी इस समय तनावपूर्ण हो सकते हैं। आप लोगों को काम काज पर और परिवार के बीच भी संतुलन रखने की आवश्यकता होंगे। इस समय आपके सोचने समझने की शक्ति भी मजबूत होंगे। यात्राएं भी आनंददायक रहेंगे और सुखद परिणामदायक होंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होंगे। आप लोगों के जीवन में धन खर्च भी होंगे। व्यापार व्यवसाय के निवेश करने के लिए, नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप लोगों का समय बहुत ही बेहतर होंगे। आर्थिक सफलता के बेहतर योग भी बने रहे हैं। सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्रों में आप लोगों को काफी बड़ी सफलता। आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। शनिदेव जी की कृपा से आने वाले समय व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बड़े बड़े मौके मिल सकते हैं। करियर में भी बड़ी प्रगति हासिल होंगी। आपके सोचे गए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। किसी भी संपत्ति के सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आर्थिक लाभ की संभावनाएं रह सकती हैं। माता पिता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी महिला के दिल की बातों को कह सकते हैं, जिनसे कि आपका रिश्ता काफी अच्छे होंगे। शनिदेव जी का आशीर्वाद भी आप लोगों पर लगातार बना रहेगा, जिसकी बदौलत आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत से धन लाभ हो सकते हैं। व्यवसाय व्यापार के भीतर भी वृद्धि होंगे, जिनसे आपका मन काफी प्रसन्न होंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहें, आपको सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने के मौके मिल सकते हैं। आपके द्वारा बिजनेस में लगाया गया धन भी उत्तम मुनाफे के साथ आपको वापस हासिल होंगे, लेकिन इन सभी के बीच आपका स्वास्थ्य भी थोड़ी सी परेशानी का कारण कर सकता है। इनकम के क्षेत्रों में आपके अवश्य बढ़ोतरी होंगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है तथा आप अपने जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। बेरोजगार लोगों को जल्दी ही आप किसी अच्छी कंपनी से जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। आपके द्वारा किया गया मेहनत भी सफल होंगे। जरूरतमंदों को हो सके तो आप वस्त्र का दान करें।
आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होंगी। अविवाहित लोगों के घर में विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। आप कहीं धन निवेश करने की योजना बना सकते हैं जिसका आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। बेरोजगार युवाओं को अच्छी नौकरी मिल सकती है तथा नए कार्य में आने वाली सारी की सारी रुकावटें अवश्य दूर होंगी। सामाजिक कार्य करने में आपको सफलता की प्राप्ति होंगी। आप अपने जीवन में नई मिसाल को स्थापित करने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए समय सबसे अच्छा रह सकता है। आपके जीवन में आपको नई खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने जीवन में अपार सफलताओं को अर्जित करने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखने की अवश्य कोशिश करें। आपके जीवन में आपको नई खुशखबरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपके सोचे समझे कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके इनकम के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगी। पैसों से जुड़े मामलों में आप भाग्यशाली रह सकते हैं। रोजगार के स्रोतों में वृद्धि होंगी। शनिदेव जी की कृपा से आपके सारे दुख दर्द और कष्ट भी समाप्त होंगे। आपको ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत रह सकता है। व्यापार में आशा अनुसार लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके मित्रों के सहायता भी आपके कोई बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। करियर में नई ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। तरक्की के नए आयाम हासिल होंगे। आपका काम सूझबूझ का खत्म हो सकता है। पुराने कानूनी मामलों को निपटाने में सफल हो सकते हैं। आपके शत्रुओं से आपके वर्षों पुराने सपने भी पूरे हो सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली रह सकते हैं और जीवन में अनोखा परिवर्तन करने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं। शुभ संयोगों की वजह से आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है। मित्रों, आपके जीवन में आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होंगी। जीवन में कुछ बड़े कार्य भी करने के मौके मिल सकते हैं। सकारात्मक और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में दुख और दरिद्रताएं भी अवश्य दूर होंगी। कष्टों का समापन हो सकता है। भाग्य की ओर से आपको साथ मिल सकता है। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होंगी। जो लोग बिजनेसमैन में हैं, उन लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ने के बारे में विचार करने के मौके मिल सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ बड़ी बातों के बारे में पता कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी बातों को शेयर करने से बचने का प्रयास करने होंगे। दोस्तों के अगुवाई में आप किसी नए जीवन का अध्याय का शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आर्थिक स्थितियों में धन लाभ मिल सकते हैं। आपको अपने करियर में उज्जवल बनाने के मौके मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में चल रही बाधाएं भी दूर होंगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को तरक्की हासिल होंगी। मानसिक तनाव कम हो सकता है। आपके स्वभाव से लोग काफी प्रभावित हो सकते हैं और कुछ नई योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं, कार्यान्वित की जा सकती हैं। नौकरी और बिजनेस बदलने के इच्छुक लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में आपका सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। दिन रात आपको दोगुनी तरक्की मिलेंगी। आपको रोजगार में तरक्की भी देखने को मिल सकती है। आपके प्रेम भरे रिश्ते भी मजबूत होंगे। आपके कार्यों में आ रही अड़चने दूर होंगी। आपका पारिवारिक जीवन भी खुशियों से उत्पन्न रह सकता है। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को